फैशन के मामले में हमेशा से मेरा ये रहा है कि भाई वही चीज़ पहनो जो आप पे सूट करती है। कुछ लोगों का क्या करना होता है कि कुछ भी फैशन में वो पहन लेते हैं विदाउट नोइंग कि भाई उनकी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसी है कि उस पर वो अच्छा लगेगा या नहीं। और कुछ कलर्स भी ऐसे होते हैं जो आप पे इतने अच्छे नहीं लगते, तो हमेशा देखभाल की ये चीज़ें करनी चाहिए। क्योंकि देखिए पहनना तो आपको ही है, तो फिर जब उसमें मज़ा ही नहीं आएगा, आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, तो फिर ऐसे फैशन का क्या काम। मगर इसका मतलब ये भी नहीं कि आप अपने आप को बिल्कुल ही छोड़ दें कि भाई ये फैशन तो हमारे लिए बना ही नहीं है, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, तो बस हम इसको फॉलो भी नहीं करेंगे। आपको अगर वो इतना पसंद आ रहा है तो आप अपने आप को उसी तरह ग्रूम करें, अपने ऊपर मेहनत करें, तो ऑब्वियसली वो चीज़ आप पे भी अच्छी लगेगी। जहाँ मैं आपको अपने बचपन की एक बात बताती हूँ, मैं जब अपने टीन्स में थी तो काफ़ी स्किनी होती थी और मुझे अक्सर लोग कहते थे कि यार आप पे तो कपड़े ना ऐसे लगते हैं हैंगर पे कपड़े लटके हुए, और ये बात मेरे दिल को इतनी बुरी लगती थी कि यार मैं मतलब अच्छी नहीं लगती, कुछ भी पहन लूँ इतनी अजीब सी लगती हूँ। तो सीरियसली मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया। मैंने मतलब दूध में मिला के मक्खन पी रही हूँ, जो जो कोई भी कहता ना कि ये कर लो ये कर लो, इस नुस्खे से ऐसे हो जाएगा, तो वो सब मैं करने लगी। अब आप सोचेंगे नहीं यार अब इतनी भी दुबली नहीं है, बट नहीं, अगर मैं पहले की पिक्चर्स दिखाऊँ ना तो आप कहेंगे हाँ यार ये बंदी बहुत ही दुबली थी। बाय द वे इस चक्कर में आपको बताना ही भूल गई कि आज हमारी दावत थी और बड़ी ज़बरदस्त दावत हुई माशाल्लाह से, वो तो अभी आप देखेंगे ही। मेरी मम्मा की एक दोस्त है, उन्होंने अपने घर पर दावत रखी थी, तो हम सब लोग वहीं आए थे और खाने का सिलसिला माशाल्लाह शुरू हो ही चुका था। बड़ी ज़बरदस्त इन सब मतलब इन्होंने डिशेस बनाई हुई थी। हाँ यहाँ शान जी की तबीयत कुछ दो हफ्ते हो गए बड़ी डाउन चल रही है, तो ये उनकी टेबल लगी हुई थी, बहुत पास्ता बनाया हुआ था उन्होंने, चिकन कोरमा, कीमा, आलू और पूरी एक मंदी, मतलब बहुत ही लजीज खाना था। मैं लफ्ज़ों में शायद बयान भी ना कर पाऊँ। वैसे दावतों का बेस्ट पार्ट मुझे ये लगता है कि यार वहाँ जाके ना बस खाना खाना होता है, आपको इस बात की टेंशन नहीं होती कि खाना बनाना है, फिर गेस्ट का वेट भी करना है, एंड उसके बाद ख़ुद भी तैयार होना है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती, बस आपको तैयार होकर जाना होता है और खाना खाना होता है। ये किसका है यहाँ? तो यस ये थी मेरी प्लेट। और वो कहते हैं ना कि गुड़ खाते हैं और गुलगुलों, क्या बोल रही हूँ, गुड़ खाते हैं गुलगुलों से परहेज करते हैं, तो वही हमारा हाल था कि सब कुछ खा रहे थे मगर जो ड्रिंक थी ना वो हम डाइट ले रहे थे, यानी कि ज़ीरो कैलोरीज वाली। अच्छा डाइटिंग से मुझे एक बात याद आई, मुझे अक्सर कमेंट्स में ये सुनने को मिलता है कि आप इतना खाती हैं माशाल्लाह मगर जिस हिसाब से आप खाती हैं उतना आपका वेट नहीं है। तो यार मैं हमेशा से ये करती हूँ कि मैं कैलोरीज पे थोड़ा सा कंट्रोल करती हूँ, खाती सब हूँ। मुझसे आप अगर आप कहें ना कि नहीं भाई क्रैश डाइटिंग कर लो, वो नहीं हो सकती, क्योंकि जहाँ मेरे सामने मेरी पसंदीदा चीज़ आ गई ना तो वहाँ मैं डाइटिंग को खैर बात कह देती हूँ, मगर एट द सेम टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि इतनी कैलोरीज ना खाऊँ, मतलब कुछ भी खा रही हूँ वो कम क्वांटिटी में खाऊं। क्योंकि देखिए जो हमें क्रेविंग्स होती हैं ना वो कभी ख़त्म नहीं होती, तो उन क्रेविंग्स पे कंट्रोल रखना वो हमारा काम है। अच्छा खाना वाना खा के जब हम फारिग हो गए थे तो फिर हमने इनका घर देखना शुरू करा। माशाल्लाह काफ़ी प्यारा घर था और व्यू भी काफ़ी अच्छा आ रहा था, और मैं सोच रही थी कि यार इतना बड़ा लॉन है, मतलब इस कि अगर ऐसा लॉन हो ना घर में गार्डन, तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, खाने के बाद आप यहीं वॉक कर लो तो आसान हो जाता है, वरना सुस्ती चढ़ती है ना अक्सर कि भाई अब खाने के बाद वॉक करने कैसे बाहर जाएँ, कपड़े चेंज करना हो ये करना हो, तो ऐसा घर हो तो आराम से हो जाता है। और ये तो मेरी टॉप फेवरेट है, मतलब इन्होंने बताया भी नहीं था कि यहाँ सौंफ रखी है, मैंने खुद ही ढूंढ ली थी मुझे सौंफ से ना काफ़ी ज़्यादा इश्क है। और ऐसा हो सकता है कि नए कपड़े पहने और 10,000 पिक्चर्स ना लें, तो मैं बस वो ही कमी पूरी कर रही थी क्योंकि घर पे अपनी पिक्चर्स नहीं ले पाई थी। नहीं थैंक यू, उनका नहीं सब बोलते थे आपको चाहिए स्पेशली बात भी नहीं है जो उनका बांटी है उनका सामान। अब यहाँ मैंने कोई इतनी बदतमीज़ों वाली हरकत करी थी ना, मतलब सौंफ उठा के लाई और ख़ुद तो खा रही हूँ, उनके घर वालों को भी जिनका घर है उन्हीं को कह रही हूँ आप खाएंगे, तो मेरा भाई कहने लगा उनका सामान उन्हीं को पूछ रही हूँ, ना उनसे पूछा कि मैं ये ले लूँ कि ना लूँ। फॉर मैरी
से थैंक यू। तो यहाँ बस हम अब घर की तरफ जा रहे थे, मगर घर जाने से पहले वो होती है ना दावत की कुछ मैंडेटरी चीज़ें, यानी कि गिफ्ट एक्सचेंज और पिक्चर सेशंस, तो वो जब चल रहा था माशाल्लाह हमें भी बड़े मज़े मज़े की गिफ्ट्स मिले। शांजे को तो जब मिला वो बहुत ही खुश हो गई थी, वरना थ्रू आउट द इवेंट वो काफ़ी डल थी, मगर जब बच्चों को अपनी टाइप की चीज़ें मिल जाती है ना तो बड़े खुश हो जाते हैं। उसके बाद हम अपनी सिस्टर के आए, और सिस्टर के अभी हम रात को कोई 4 बजे मतलब घर वापस आए, और सुबह फिर हमारा स्विमिंग पूल का प्लान था और उसके हम वापस घर पे पहुंच गए। अच्छा, स्विमिंग पूल से ना मुझे कोई ख़ास लगाव नहीं है। वजह ये है कि एक तो यूएई में ना पानी थोड़ा सा खारा आता है, उसकी वजह से बाल ऑलरेडी काफ़ी गिर रहे होते हैं, आपको बहुत केयर की ज़रूरत होती है, एंड फिर स्विमिंग पूल में चले जाओ तो बालों का तो फिर और भी बेड़ा गर्क है, तो मैं बहुत अवॉइड करती हूँ स्विमिंग पूल। मगर येस, माई अदर फैमिली लाइक्स बाकी के फैमिली मेम्बर्स को तो इश्क है स्विमिंग पूल से। और इसके घर के नीचे एक अच्छी चीज़ ये है कि स्विमिंग पूल पूरा मौजूद है, तो आराम से ये लोग वहाँ जा के स्विमिंग कर लेते हैं। और ये लोग शायद सुबह डेनिस गए थे तो बचा खुचा खाना हम गरीबों के लिए लाएँ। और ये लोग देखें नीचे, पता नहीं अभी गए हैं स्विमिंग पूल में कि नहीं, आप लोगों को दिखाती हूँ। एक सेकेंड, टन टन डिंग 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 डिंग, ये देखें ये लोग सारे के सारे गरीब गुरबा बच्चे नीचे पानी में नहा। तो अभी हम किचन में आए कुछ खाने। ये क्या है, ये शानजगी खिचड़ी है जो कि मैं ऑलरेडी टेस्ट कर चुकी हूँ। फ्रिज चेक करते हैं, एक सेकेंड, फ्रिज में कुछ खास दिखा तो फ्रिज में मुझे कुछ खास दिखा तो नहीं सिवाय इस चॉकलेट पुडिंग के। और मैं आजकल इतनी चॉकलेट्स खा रही थी ना, मतलब इससे थोड़ी देर पहले भी मैं एक चॉकलेट खा के बैठी थी, मैंने कहा नहीं भाई इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। मैंने यही सोचा था कि जब तक ये लोग नीचे मैं अपना आराम से व्लॉग एडिट करूंगी, मगर इतने में बस इन्होंने आना शुरू कर दिया। और शांजे की तबीयत को लेकर तो मैं वैसे ही ऑलरेडी टेंशन में रहती हूँ, तो मैंने इसके बाल बाल सुखाए। मगर कहते हैं ना नन्ना का प्यार एक अलग ही प्यार होता है, उन्हें लगता है कि नहीं किसी ने सही काम नहीं किया होगा, बस उन्होंने दोबारा इसके ड्रायर मारी है बाल सुखाने के लिए। अच्छा, ये वाला सीन किस किस को बुरा लगता है, मतलब ये जो गीली टॉवल्स होती है ना बेड पे लाके फेंकना, ये सच में इतनी कोई मुझे बहुत बुरी आदत लगती है, क्योंकि इससे सिर्फ ना बेड गंदा होता है बल्कि मुझे लगता है टॉवल में भी ना 10 तरह के जरासीम जाते होंगे। सो इन चीज़ों को अवॉइड किया करें, आई होप आप लोग करते होंगे, बगैर मैं बस आप लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। अच्छा, हम लोग ना माशाल्लाह काफ़ी फूडी लोग हैं, मतलब अगर हमारे घर में खाना बन भी रहा होगा ना तो उसके साथ हमें 10,000 किस्म की चिप्स चाहिए, और हमारा शाम का भी स्नैक आइटम कुछ ना कुछ चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाना कुछ कम नौइयत का बन रहा है, खाना भी ग्रैंड तरीके का बन रहा होता है, मगर उसके बावजूद भाई जो उस टाइम भूख लग रही है वो भी तो पूरी होनी चाहिए। वैसे आज संडे का दिन था और हम सब यहीं आए हुए थे बेबी के, मतलब कि मेरी सिस्टर के, तो हमने सोचा कि भाई दाल चावल बनाते हैं। अब दाल चावल मुझे लगता है कि अकेले बनने के लिए दुनिया में आए ही नहीं है, उसके साथ कुछ ना कुछ चाहिए। तो बस फिर खड़े मसाले का कीमा बनने लगा, और उसकी रेसिपी वैसे मैंने शेयर कर रही हूँ, आप लोग ये इस तरह ज़रूर बनाइएगा, ये मेरी मम्मा ख़ास तरीके से बनाती हैं और इतना लजीज बनता है ये वाकई, मतलब मैं ये नहीं कि मेरी मम्मा है तो मैं बोल रही हूँ, आप एक बार ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कैसा बना। अच्छा, आप लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि आप रेसिपीज शेयर नहीं करती, तो मैं रेसिपीज शेयर करती हूँ, मगर आप लोग का मसला क्या है कि आप लोग ब्लॉग शायद पूरा नहीं देखते, तो इसलिए आपको पता नहीं चलता। अब देखिए यहाँ भी मैं एक एक चीज़ बता रही हूँ कि क्या क्या इसमें डल रहा है, और यकीन माने कि ऐसा नहीं है कि जो आप रेसिपीज़ देख रहे हैं ना मेरी अम्मी सबको बता देती हैं, इतनी आसानी से बताती नहीं है। मैं अम्मी से कहती हूँ नहीं, जब मैं ब्लॉग बना रही हूँ ना तो प्लीज़ कुछ नहीं हाइड किया करें, मेरे फॉलोअर्स को सब पता होना चाहिए कि आप क्या डाल रही हैं और क्या नहीं डाल रही, तो प्लीज़ आप लोग गौर से ब्लॉग देखा करें, आपको सब पता चल जाएगा कि क्या डला है और क्या नहीं। और हाँ, फाइनली आज ये ड्रामा भी खत्म हुआ, इश्क मुर्शद, मुर्शद इश्क जो भी है, मतलब इसका गाना तो नो डाउट कितना मशहूर हुआ है, और ये ड्रामा भी मगर आज खत्म हुआ। तो फिर हम पे एक और इंकशाफ हुआ कि इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, अब अल्लाह माफी कि क्या होगा उसमें। एनीवेज ये वाला पार्ट मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे जब ये टमाटर सारे ऊपर सजे हुए होते हैं ना इतने कोई हसीन लग रहे होते हैं, मगर ये अम्मी का ना एक खास टेक्निक है, जब ये लाइक उसमें बॉयल हो जाते हैं फिर अम्मी पूरा छिलका इसका आराम से उतर जाता है, तो छीलने मिलने का इसमें कोई टेंशन रहती ही नहीं है। और दाल चावल के साथ ये कंजूबर वाला सैलड ना होना तो बस मज़ा नहीं आता यार।
नाजरीन मना आपको कुछ सुनाएगी, हो कि मना? सो फ्रेंड्स, मैं आपको गाना सुनाऊंगी, तो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 गो। ज़ैनब के पापा नाश्ता कर ले, ज़ैनब के पापा पानी पी ले, ज़ैनब के पापा चाय आ गई, ज़ैनब के पापा फल खा ले, ज़ैनब के पापा, ज़ैनब के पापा, ज़ैनब के, ज़ैनब के, ज़ैनब के, दुआ के पापा नहीं कैसे थी। और ये थी मना, माशाल्लाह से शी इज सो टैलेंटेड। ये मेरी फ्रेंड की बेटी है, इतनी कोई परफेक्ट इसने मिमिक्री किया ना कि मेरा हंस हंस के बुरा हाल था कसम से। अच्छा, शायद आपको देखने से लग रहा हो कि काफी लोग इनवाइटेड भी होंगे तभी इतना एहतमाम किया जा रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मानना ये है, हम लोग माशाल्लाह इतने फूडी लोग हैं कि जो कुछ भी बनाना है ना बड़े एहतमाम से बनाना है। अब दाल चावल बन रहा था तो जो उसके लवाजमात होते हैं ना, जो साइड डिशेज होती हैं, वो भी हमने पूरी पूरी रखी, मतलब कि मिर्चें तली, नमक डाल के, उसके साथ पापड़ भी बनाए, उसके साथ सैलड भी बनाया। मतलब ये चीज़ें ना हो ना तो दाल चावल देखिए अधूरा तो फिर एमी सा लगता है ना, तो उसके साथ ये सब चीज़ें होना लाजमी लाजमी है। अच्छा, ये जो आपने अभी मिर्चें देखी ना नमक वाली, इससे मुझे एक किस्सा याद आ गया। यहाँ ना दुबई में एक रेस्टोरेंट था, थाली वहाँ मिलती थी, तो हम लोग बड़ा वहाँ जाते थे, बड़ी मज़े की वहाँ थाली होती थी, मिर्चें भी वहाँ होती थी। अच्छा, हमें थाली का तब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता था, हम एक थाली लेते थे और पूरा घर उसमें खाता था। फिर हमें पता चला कि इनका ये होता है कि एक एक थाली सबने अपनी अलग लेनी है और उसमें से खाना है, मगर हमने ये कभी किया ही नहीं। और वो बेचारे रेस्टोरेंट वाले, उन्होंने हमें कभी कुछ बोला भी नहीं। आज भी मैं सोचती हूँ उनके दिल पे क्या गुजरती होती होगी कि एक ही थाली में पूरा का पूरा घर खा रहा है। तो बस हमारा खाना तो बिल्कुल अब रेडी हो चुका था। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, सुबह ऑफिस भी था, मगर बस हमें खाने पे ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, बेशक लेट हो जाए मगर चीज़ें पूरी होनी चाहिए। यही हमारा फंडा लाइफ का, तो लाइफ इसी तरह एंजॉय किया करें। यू नो, ज़िंदगी बहुत छोटी है और उसे हर मोमेंट को एंजॉय करें सबके साथ मिलके। और इसी तरह अपनी दुआओं में भी मुझे याद रखें, अपना ख्याल रखें, एंड प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, घंटी पे बटन भी दबा दिएगा ताकि आपको पता चलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।